नमो अर्हन्ताणं नमो शेधाणम् नमो आयरियाणम् नमो उवझायाणम् नमो लोए स्वसाहोणम् एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनासनो मङ्गलानञ्च सर्वे सिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् मूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलम् कृपा चरम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम सृष्टिगत सहयोगी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्येक निमित्त समवाय को प्रत्येक हे आभार, आभार, आभार. सिद्ध परमात्मा आपके अतिशय अभावल में हम सबको अपने सिद्ध स्वरूप का दर्शन हो सिद्धा दिशंत मम दिम मम, मम, मम शास्त्र तत्वार्थ अधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा जी की प्रज्ञा को प्रणाम हम सब के भीतर मौजूद भव्यता आनंद के साथ उजागर हो रही है सुरित हो रही है। यह भव्यता अपनी पूर्णता के साथ प्रकट हो आमीन। नॉट कैरोलिना के स्वाध्याय संघ का आभार आप निमित से कार्यक्रम अनवरत चल रहा है हम तत्वार्थ अधिगम सूत्र के माध्यम से खुद को जान रहे हैं और खुद को जानने की यात्रा में सतत आगे बढ़ रहे हैं इस मोक्ष शास्त्र में पहला अध्याय का नाम भी मोक्ष शास्त्र है मोक्ष अध्याय है इसमें हमने सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीन रत्नों की बात हम सुन रहे हैं इस तीन का विस्तार चल रहा है अभी हम पांच ज्ञान की चर्चा पिछले कई सेशन में कर चुके मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि मन पर्यव और केवल ज्ञान मति जिसको अभिनिबोधित ज्ञान कहते हैं इसके सिनोनिम्स की बात हमने लास्ट सेशन लास्ट टू सेशन में की थी कि मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इतने अर्थान्तरम ये सब पर्यायवाची है मति स्मृति संज्ञा चिंता अविनिबोध आज हम बात करेंगे कि मति ज्ञान कैसे होता है तो ये जो सूत्र है फोर्टीन नंबर का सूत्र पहले अध्याय का 14 सूत्र ये कह रहा है कि दो निमित्तों से होता है सूत्र है तद इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम तद इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम यानी यह ज्ञान जो है वो इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है हमें तीन शब्द नए मिल रहे हैं इंद्रिय अनिंद्रिय और निमित्त हो रहा है किस निमित्त से यानी किस माध्यम से निमित्त शब्द बड़ा प्यारा है इसको भी हम समझेंगे क्योंकि हम जो खड़े हैं अभी वहां प्रत्येक घटना प्रत्येक कार्य होने के लिए बहुत सारे समवायों की आवश्यकता होती है असिस्टेंस चाहिए, बहुत सारे संयोग होते हैं जैसे हम एक एग्जाम्पल ले हमें चाय पीनी है कितनी छोटी सी बात हमने ऑर्डर दिया चाय ले आओ लेकिन वो चाय कैसे बनती है चाय के लिए कितने सारे पदार्थ लगते हैं? एक कप चाय में क्या कुछ नहीं आ जाता जरा हम उस इन्वेस्टिगेशन में जाए तो एक कप चाय के लिए हमें दूध चाहिए चीनी चाहिए चाय पत्ती चाहिए चाय का मसाला चाहिए और अब पीछे इसके और अंदर जाओ तो ये दूध कहाँ से आ रहा है ये पत्तियां कहाँ से आ रही है ये चीनी कहाँ से शुगर कहाँ से आ रही है ये मसाला कहाँ से आ रहा है और फिर इन सब के साथ ईंधन चाहिए और फिर उस ईंधन के ऊपर इन सबको पकाने वाला चाहिए और वो सब कुछ अच्छी तरीके से अच्छी मात्रा में मिला करके सही मात्रा में उचित मात्रा में मिला करके प्यार से कोई परोसने वाला भी चाहिए अब एक कप चाय के लिए कितनी चीजों का संयोग हुआ और वो भी एक प्रॉपर चेन में एक परफेक्ट वे में तब जाकर के एक कप चाय हमारे पास आई ये सब कितने समवाय योग हुए इसको कहा निमित्त इज्जत में जो भी हमें दिखलाई पड़ रहा है उन सब के पीछे हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो रहा यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है इसी को विज्ञान बोलते हैं कि प्रत्येक कार्य के पीछे जो कारण है उस कारण को हम जान ले और जैसे हम उस कारण को जान लेते हैं तो बड़ी मजेदार बात होती है कि उस कार्य के प्रति हमारे भीतर एक प्रभावी नेतृत्व पैदा हो जाता है मतलब नाउ वी कैन अंडरस्टैंड वॉट इज द वर्क वॉट इज द एक्शन एंड मुझे ये कार्य कैसे करना है हमें एफर्ट्स कैसे लेना है वो प्रोसेस हमें खुद ही समझ आ जाती है हमें कारण समझ आ जाए तो फिर हमारे पास कुछ अथॉरिटी हो जाती है कि हमें ये कार्य कैसे करना करना या नहीं करना ये विवेक आ जाता है तो विवेकपूर्ण ज्ञान भी विज्ञान है विश्लेषणात्मक ज्ञान भी विज्ञान है विज्ञान अगर शब्द में जाए तो वी यानी विवेक पूर्वक ज्ञान और वी यानी विश्लेषणात्मक ज्ञान यानी बहुत एनालिसिस करके जो ज्ञान हो रहा है और एनालिसिस में जाएंगे तो सबसे पहले चीज कारण समझ में आना चाहिए तो हमारे भीतर जगत में जो कुछ हो रहा है हमारे बाहर जगत में जो कुछ हो रहा है इन दोनों के बीच में कौन चीज है जो हमें जोड़ रही है भीतरी और बाहरी जगत में वो क्या है जो हमें जोड़ रहा है वो क्या है जिसके निमित्त से हमारे भीतर ये ज्ञान पैदा हो रहा है तो बोला ये जो मति ज्ञान है यानी जो बुद्धि से ज्ञान हो रहा है, है जो समझ पूर्वक ज्ञान हो रहा है जो अभी फिलहाल हमारी समझ है इस समझ का पीछे कारण क्या है निमित्त क्या है तो बोले दो कारण है इंद्रिय और अनिंद्रिय लेकिन ये निमित्त है बहुत प्यारी बात सूत्र ने स्पष्ट कही कि ये तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्त इंद्रिय और अनिंद्रिय निमित्त कारण है मुख्य कारण नहीं है तो हर एक कार्य के पीछे कारण है लेकिन कारण दो प्रकार के एक है मूल कारण जिसको बोला गया उपादान दूसरा है सहायक कारण जिसको बोला गया निमित्त मूल कारण उपादान है उपादान शब्द का अर्थ होता है हमारी आंतरिक क्षमता आंतरिक योग्यता तो ज्ञान का भी कारण क्या है तो एक तरह से तो इस ज्ञान का कोई कारण हो ही नहीं सकता क्योंकि ज्ञान हमारा स्वभाव है अस्वभाव कारण होता है स्वभाव का मतलब जो अकारण हो जैसे कोई पूछे अग्नि गर्म क्यों है तो हम बोलेंगे अग्नि का स्वभाव ही है कि वो गर्म है पानी शीतल क्यों है उसका स्वभाव ही है कि वो शीतल है अब वो बोलेंगे अरे अग्नि कहने के साथ हमें पत्नी की याद आ गई कि गर्म क्यों है क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है पानी का स्वभाव ही शीतल है हवा का स्वभाव ही बहना है तो जो स्वभाव है वो अकारण है और जो स्वभाव है वो उपादान भी है उपादान का मतलब क्या है वो उसकी आंतरिक योग्यता है उप आदान शब्द दो अक्षरों से मिलके बना दो शब्दों से मिलके बना उप और आदान उप यानी एकदम समीप और आदान यानी ग्रहण करने की क्षमता जो ग्रहण किया जा रहा है तो जो भीतरी स्थिति है उसको उपादान कहा गया और जो बाहर से योग मिल रहा है उसको निमित्त कहा गया जो बाहर से असिस्टेंस हो रहा है हमको असिस्टेंस मिल रहा है वो निमित्त है ज्ञान जो है इसका मौलिक कारण तो भीतर की स्थितियाँ है कि हमारे भीतर का स्वभाव ही ज्ञान है और ज्ञान स्वभाव है वो अकारण है वो हमारा मौलिक उपादान है हमारी योग्यता है हमारा होना जीव का होना ही ज्ञान रूप है इसलिए जीव और ज्ञान अलग अलग चीज नहीं हो सकती है जो जीव है वो ज्ञान है जो ज्ञान है वो जीव है इसको हमने पहले भी किसी और सेशन में समझा था कि जो जानना है वही जान है जान और जानना एक ही बात है जान है तो जानना है जानना यानी जान है बेजान नहीं जान सकता ये फर्क है इसीलिए जान को ही जान बोला जान को ही ज्ञान बोला जानना ही जान है और जिसको हम अपने नजदीक से जानना चाहते हैं जिसके भीतर हम डूब जाना चाहते हैं उसको प्यार से हम जानू बोल देते हैं अभी भी कोई ऐसे ही नहीं बन गया सहयोग देखो शब्द भी कैसे बने हमने क्यों उनको जानू बोल दिया क्योंकि हम उनको जान रहे हैं हम उनको जानना चाह रहे हैं हम हाँ उसको अपने ज्ञान की तरह ले रहे हैं अपने जान की तरह ले रहे हैं प्राण की तरह ले रहे हैं तो इसलिए उसको जानू बोल दिया तो ये मती ज्ञान जो है ज्ञान मात्र जो है वो हमारा उपादान है हमारी मौलिक योग्यता है लेकिन फिर भी जो भीतरी योग्यता है ज्ञान हमारी भीतरी योग्यता है हमारा स्वभाव है लेकिन अब भी जिस स्थिति में हम खड़े हैं वहां तो हम बहुत सारे आवरणों के साथ है हम नेचुरल नहीं है ना स्वाभाविक नहीं है हम स्वाभाविक नहीं है तब स्थिति क्या पैदा हो गई कि हमें अपनी ही क्षमता का उपयोग करने के लिए कोई सहायक चाहिए तो सहायता कौन सी मिल रही है तो बोला इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम ये जो मति ज्ञान है वो इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से हो रहा है निमित्त यानी उसके सहयोग से हो रहा है उसके असिस्टेंस से हो रहा है अब इंद्रिय और अनिंद्रिय ये दो शब्द इंद्रिय शब्द का मतलब है वह जो इंद्र की पहचान कराए वह जो इंद्र से संपर्क कराए। क्या है? क्या देवताओं के राजा इंद्र की बात यहाँ पे चल रही है नहीं यहां इंद्र शब्द ये जो शब्द बने वो अक्षरों के जोड़ से बने अक्षर जो आए वो ध्वनि के माध्यम से आए और धुनिया भीतर से पैदा हुई हमारी भीतरी भाव दशाओं से फिर से समझे कोई भी शब्द जो बना है उसमें अक्षर है अक्षर कहां से पैदा हुए हमारे भीतर कंपन से कंपन जो भीतर में पैदा हुआ वो उस उस तरह की भाव दशा से पैदा हुआ जैसे हमारे भीतर रोने का कंपन आया अब रोने की वजह से हमारे भीतर से जो रोने के कंपन के साथ जो ध्वनि पैदा हुई अब वो ध्वनि कैसी होती है बच्चे जब रोता है तब अब वो जो पैदा हो रही है ये ध्वनि है अब इस ध्वनि का अपना कोई अर्थ नहीं है लेकिन इस ध्वनि के साथ हमारे भीतर ये समझ पैदा हो जाती है कि जब बच्चा रो रहा हूं कर रहा है तो हम समझ जाते हैं अब इस बच्चे को कुछ चाहिए ये रो रहा है इसको भूख लगी है ना और सबकी भूख भी अलग अलग होती है एक लेडी अपने हस्बैंड को फोन करके बोल रही है जानू जल्दी से घर आ जाओ मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है तो उसका दोस्त पास में खड़ा था वो बोले तो गले में दर्द हो रहा है तो आपको घर पे बुलाने की क्या जरूरत है कोई भी आ, वो टॉनिक लेके पी ले ठीक हो जाएगा बोला इसका गले का दर्द ये वाला नहीं है इसका गले का दर्द जो है वो कम से कम आठ दस लाख रुपए में सेटल होएगा तो ये आठ दस लाख रुपए में सेटल होएगा मतलब क्या कि इसके गले में दर्द होने का मतलब है कि अब इसको दुकान पे ले जाना पड़ेगा ज्वेलर की और उसका कोई डायमंड का सेट दिलाना पड़ेगा तब जाके इसका गले का दर्द ठीक होगा अब वो हस्बैंड समझता है कि वाइफ के कि जब गले में दर्द होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है कि तो वो ज्वेलरी की शॉप पे जाकर के पूरा होने वाला है ऐसे ही नहीं हो जाने वाला है तो बड़े विचित्र विचित्र अर्थ है तो ध्वनि में कोई अर्थ नहीं है लेकिन ध्वनि जब निकल रही है तो उसके भीतर जो कंपन है उस कंपन और ध्वनि के साथ में हमारे भीतर उस ध्वनि की जो समझ पैदा हो रही है अब वहां अर्थ है तो जो अब इंद्रिय शब्द की हम बात कर रहे हैं इंद्रिय शब्द में अक्षर कितने आए ई न द, और र। अब ई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है न किसको द किसको र किसको ये प्राचीन भाषाविदों ने शब्द ऐसे ही नहीं गढ़ दिए, शब्दों के अर्थ ऐसे ही नहीं दे दिए कहीं उन्होंने अपने भीतर ही सारे अक्षरों को उत्पन्न होते हुए और अक्षरों के साथ पीछे जो कंपन है और कंपन के पीछे जो स्थिति है उन सबको समझा और तब इसके अर्थ पैदा हुए आज हमारे लिए तो बिल्कुल आसान सी बात है जब हम डी बोल देते हैं अ e, बोल देते हैं हम अ आई से बने हुए सैकड़ों शब्द बोल देते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं कि ये शब्द कहाँ से आए थे शब्द के अर्थ क्यों दिए गए थे और ये सब कहा कैसे निकले थे लेकिन जिन्होंने जाना अपने भीतर के नाद, किया, और फिर इस नाद के अलग अलग शरीर के स्थानों पर चोट को अनुभव किया और फिर उस चोट से उत्पन्न हुए कंपनों को और उस कंपन से पैदा हुए शब्दों को अक्षरों को और अक्षरों से शब्दों को जब उन्होंने महसूस किया तो उन्होंने शब्द घड़े ये शब्द ऐसे नहीं गढ़ दिए गए क्यों इंद्रिय बोला क्यों आत्मा को इंद्र बोला और उस आत्मा आत्मा रूपी इंद्र की जो पहचान करा दे उसे इंद्रिय बोला ई शब्द ई अक्षर जो है वो इच्छा शक्ति का द्योतक है विल ई हमारी आंतरिक क्षमता योग्यता का भी द्योतक है ई उपादान की बात है यहाँ पे तो जो भीतर की इच्छा शक्ति है न न कहते हैं न अक्षर जब पैदा होता है तो वो कंटिन्यूटी के लिए आता है जनन खनन मनन न अक्षर पीछे जुड़ रहा है तो कंटिन्यूटी के लिए आ रहा है न अक्षर बीच में जुड़ रहा है उसका डिफरेंट कई सारे अर्थ हो सकते हैं द देने के अर्थ में आता है इसीलिए कई कंजूस लोग बोलते हैं हमने जब अल्फाबेट सीखे थे वर्णमाला सीखी थी द नहीं सीखा था देना नहीं सीखा हमने क्या करें तो द भी बड़ा आसान बात नहीं है और र रमण करने को कहते हैं रमण करना यानी मजा लेना इन्वॉल्व होना तो हमारे भीतर में की कोई स्थितियां है जिसमें हमारी ही क्षमता सतत उजागर हो रही है और सतत रमण कर रही है और ये नियम है आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है सच्चिदानंद जिसको बोलते हैं कि वो रमण कर रही है मौज में है अपनी ही आनंद में है आनंद का स्रोत है आनंद का अतिरेक है अपनी उस क्षमता इंद्र जो अपने स्वभाव में है उसको इंद्र बोला कि वो अपना स्वामी है वो अपनी इच्छा शक्ति का स्वामी है वो खुद खुद की क्षमताओं का दान कर रहा है ग्रहण कर रहा है जी रहा है उसमें भोग कर रहा है ये हमारा स्वरूप है उस इंद्र का यानी उस आत्म रूप का जो पहचान करा रही है जो उसको उजागर करवा रही है वो इंद्रिया है अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझे हम जीवित है और अभी हमारे भीतर से प्राण निकल गए हम मर गए क्या फर्क पड़ा आंख वही वही है कान वही वही है नाक वही वही है जीव वही वही है सारी त्वचा जहां पहले थी वैसी है फर्क क्या पड़ गया अब आंख बाहर की जगत का बोध हमें भीतर नहीं दे रही है अब कान शब्दों को सुन नहीं रहे हैं अब नाक कुछ सूंघ नहीं रही है और वो कुछ प्रकट भी नहीं कर रही एक्सप्रेशन भी नहीं दे रही है हम कहते आदमी मर गया अरे इंद्रिया तो वही थी फिर क्या हो गया इंद्रिया तो वही के रही पांच इंद्रिया है और पांचों वही के वही रही कुछ भी तो घटी बड़ी नहीं लेकिन अब उसकी जो पहचान हो रही थी जो एक्सप्रेशन हो रहा था जो गिव एंड टेक चल रहा था वो गायब हो गया कोई एक ऐसा तत्व था जिसकी वजह से ये लगातार आदान प्रदान चल रहा है भीतर की स्थिति बाहर प्रकट हो रही है बाहर से हम भीतर ले जा रहे हैं ये दरवाजा बोला इंद्रियों को ये पहचान करा रही है कि भीतर कोई है बैठा है इंद्र है अब इंद्र बैठा है मालिक बैठा है और ऑफिस में अगर बॉस बैठा हो तो सारे लोग काम कैसे करेंगे और ऑफिस से जैसे ही बॉस चला जाए फिर सारे लोग काम कैसे करेंगे हो ही जाएगा। कुछ भी ना कहो बस पता लग जाए कि बॉस चला गया है सब चेंज बॉस आ गया है सब चेंज आइडेंटिविटी बढ़ जाती है तो जो इंद्र है उसकी उपस्थिति में उसके प्रेजेंस में ये सारी इंद्रिया काम कर रही है हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन पांच के माध्यम से जिसको इंद्रिय बोला वो पांच क्या है हमें सबको पता है वैसे तो श्रोत इंद्रिय कान चक्ष इंद्रिय आख ग्रहण इंद्रिय नासिका इंद्रिय जीभ और स्पर्श इंद्रिय पूरी त्वचा ये पांचों सेंसेस के थ्रू हम लगातार ले भी रहे हैं और भेज भी रहे हैं तो ये इंद्रिया है जो हमारी पहचान करा रही है अब इस इंद्रियों के माध्यम से हम बाहर से जो भी सूचनाएं ले रहे हैं वो सूचनाएं है, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से नर्वस सिस्टम के माध्यम से हमारे भीतर मन तक पहुंचती जा रही है और फिर मन जिसको नो इंद्रिय बोला गया अब वो बड़ी मजेदार बात है उसको अत नहीं बोला गया इंद्रिय के पार नहीं चले गए हम वो इंद्रिय है लेकिन नो इंद्रिय है

संयोग वहां पे होता है मन में होता है तभी हम देख पाते हैं सुन पाते हैं अभी देखो हम सुन रहे हैं लेकिन अचानक मैं तो बोल रही हूँ आपके कान भी खुले हैं आवाज भी अंदर जा रही है ध्वनि भी पहुंच रही है लेकिन आपके भीतर का मन कहीं गायब हो गया है वो किसी पुरानी याद में खो गया है उसके पास कोई एक तरह की चिंता आ गई है कोई विचार आ गया है कोई कल्पना आ गई है कोई स्मृति आ गई है कोई धारणा में वो चला गया है अब क्या होगा कि इधर बात बोली भी जा रही है कान के द्वारा ग्रहण भी की जा रही है लेकिन भीतर नहीं पहुंच रही है और कुछ नहीं समझ आ रहा है आप गायब हो गए यहाँ होते हुए भी, भी गायब अगर मन ना हो वहां पे तो आंख देखते हुए भी नहीं देखेगी कान सुनते हुए भी नहीं सुनेगा नासिका ग्रहण करते हुए भी ग्रहण नहीं करेगी और मन हो नो इंद्रिय प्रेजेंट है तो तो हम लगातार जो सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं हमारे भीतर मन में उन सब चीजों की रिकॉर्डिंग हो रही है उन सब चीजों के मन में जाकर के उसके अर्थ भी प्रकट हो रहे हैं मन चला गया आपने क्या कहा था कुछ कह तो रहे थे लेकिन मैंने सुना नहीं अरे सुना क्यों नहीं अक्सर माँ बाप को शिकायत होती है हमारे बच्चे हमारी बात सुनते ही नहीं है उनको बोलते बच्चों के कान तो खुले वो सुन तो रहे हैं इसको सुनना थोड़ी कहते हैं हम बोलते जाते हैं, उनका ध्यान कहीं और है वो सुनी कर रहे तो जहां ध्यान है जहां मन गया है वही आदमी सुन रहा है और जहां वो है अगर वही ध्यान आ जाए तो, तो वो प्रॉपर सुनेगा भगवान ने उसको श्रावक बोला जिसमें सुनने की कला आ गई और सुनने की कला का मतलब क्या है कि वो जब सुन रहा है तो मात्र सुन ही रहा है वो सुनी हुई बात को लेकर अपने भीतर ना जजमेंट पैदा कर रहा है ना कोई मेमोरी में जा रहा है ना कोई उसकी व्याख्या करने जा रहा है वो सुन ही रहा है सुनते समय उसको श्रावक बोला और जिसको सुनने की कला आ गई बोला सुनने की कला आ गई तो तिर जाएगा सुनने के साथ डायरेक्ट मन का संबंध है क्योंकि मन वहां मौजूद है तो ही हम सुन पाएंगे मन जैसे ही पीछे आगे भागा हमारा सुनना बंद हो जाएगा दिखाई तो पड़ेगा सुन रहे क्योंकि कान तो खुले इसके तो गेट डीपर भी नहीं है ना कि गेट बंद हो गया पता लग जाए आइस का तो डीपर है क्लोज हो गई पता लगेगा नहीं देख रहा है लेकिन कानों के पास तो कोई डीपर नहीं है ये तो क्लोज नहीं हो रहे हैं आवर्स चालू है ओपन है लेकिन मन मौजूद है तो सुनाई पड़ेगा मन मौजूद है तो दिखाई पड़ेगा मन मौजूद है तो टच भी समझ में आएगा मन कहीं और है तो हमें पता ही नहीं लगेगा तो।, तो बोला ये जो मति ज्ञान हो रहा है जो अभिनिबोधित ज्ञान हो रहा है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है वो इस वजह से हो पा रही है क्योंकि हमारी इंद्रिया और मन बराबर काम कर रहे हैं तद तो इंद्रिया अनिंद्रिय निमित्तम इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से ये बोध पैदा हो रहा है इंद्रिया फाइव सेंसेस नो इंद्रिया मन तो क्या जिन जीवों के पास मन नहीं होता उनके पास मति ज्ञान नहीं होता प्रश्न पैदा हो जाएगा जिन जीवों के पास मन नहीं होता क्या उनको मतिज्ञान नहीं होगा तो कहा मति रूप जो हमारी क्षमता है वह तो उनके पास भी मौजूद रहेगी लेकिन मन का उपकरण नहीं है तो जब डेवलप्ड नहीं है तो उनकी जो क्षमता है वो उस रूप में काम प्रयोग में नहीं आएगी लेकिन उनके भीतर जो श्रमता है, वो वो कहीं खो नहीं जाएगी, जाएगी। बस वो दबी पड़ी रह इसको समझे कि आपने प्लॉट खरीदा लेकिन उस पर अभी तक पानी नहीं आया तो आप क्या करोगे पानी के लिए आपको कोई एक चैनल बनाना पड़ेगा हो सकता है आपको प्लांट को कुछ खोदना पड़ेगा फिर आपको जमीन में से पानी का उसका कनेक्शन बनाना पड़ेगा अब जमीन के अंदर पानी है लेकिन अगर आपने खुदाई नहीं करी सबमर्सिबल पंप नहीं डाला है, तो वो जो जमीन के अंदर का पानी वो बाहर नहीं आ सकेगा तो आपको लगेगा यार प्लॉट है लेकिन पानी तो यहाँ है ही नहीं अब क्या करें तो जानकार लोग बोलेंगे पानी है बस तो उसको कनेक्ट कर तो असंगी जीवों के पास जिसके पास मन नहीं है उसके पास भी मत ज्ञान की क्षमता तो है लेकिन कनेक्टिंग अभी कनेक्ट नहीं किया गया है, तो है खुदाई नहीं की गई है अंदर से पानी को निकाला नहीं गया है और निकालने के लिए उसको एप्रेटिस चाहिए वो एप्रेटिस पांच इंद्रिया है और उनके पास एक इंद्रिय ही है तो कैसे काम कर पाएंगे दो इंद्रिय है तो क्षमता थोड़ी बड़ी लेकिन फिर भी कम है तीन इंद्रिय क्षमता थोड़ी और बड़ी फिर भी कम है चतुर इंद्रिय है फिर क्षमता बढ़ी लेकिन फिर भी कम है तो जब तक चार इंद्र तक के लोग है तब, तब तक उसके पास भी मति ज्ञान की क्षमता तो है लेकिन फिर भी मति ज्ञान नहीं है मति अज्ञान है ज्ञान नहीं है और मति अज्ञान क्यों है क्योंकि उनके पास क्षमता तो है लेकिन ज्ञान होने के लिए जो निष्पक्षता चाहिए ज्ञान होने के लिए जो दर्शन की शुद्धि चाहिए ज्ञान होने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए उनके पास में उतनी इंद्रिया नहीं है उतने माध्यम नहीं है उतने चैनल्स नहीं है कितने सारे पहाड़ों पर हम कभी जा ही नहीं पाते अगर उन पहाड़ों तक जाने के लिए हमारे पास में केव्स ना बनी होती सड़कें ना बनी होती फिर सड़कों पर चलने के लिए प्रॉपर मोटर्स ना बनी होती कारें ना बनी होती हम तो दूर से देखते रहते लेकिन कभी पहुंचते ही नहीं हम चांद को दूर से देखते रहते लेकिन कभी पहुंचते ही नहीं अगर हमारे पास में वैसा रॉकेट ना बना होता वैसे विमान ना बने होते तो वो विमानों का उपयोग है और सही तरीके से इनका उपयोग किया जाए तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं तो ये जो इंद्रिया है जो मन है ये बड़ी मजेदार चीजें हैं इनसे हम अपने भीतर खुदाई करके अपने भीतर जा सकते हैं और बाहर की जानकारियों से खुद को समृद्ध भी कर सकते हैं और भीतर की स्थितियों को बाहर प्रकट भी कर सकते हैं जैसे ये मोबाइल है हमारे सामने सेलफोन है अब ये है तो हम अपनी बात को बाहर प्रकट कर सकते हैं और बाहर के लोगों की बात को अपने सुन भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं अभी एप्रिटस ना हो तो कहा अमेरिका कहाँ इंडिया हम कहा बात कर रहे होते हम कहाँ देख रहे होते है तो हम देख भी रहे हैं बात भी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है सब सामने तो बैठे सब तो हो रहा है ज्ञानियों ने यद्यपि इनको परोक्ष बोला इनडायरेक्ट बोला है डायरेक्ट नहीं है क्योंकि डायरेक्ट तो वो जिसके लिए इंद्रिय की भी जरूरत नहीं है मन की भी जरूरत नहीं है सेलफोन की भी जरूरत नहीं है टीवी की भी जरूरत नहीं है किसी चीज की जरूरत नहीं है डायरेक्ट बोला अभी हम इस इनडायरेक्ट को डायरेक्ट समझ रहे हैं कोई बात नहीं हम अपनी समझ के जिस जगह जिस तल पे खड़े उस तल की भी शुद्धि तो करते जाए उस तल की भी अंडरस्टैंडिंग हो हम कौन से स्टेप पर अभी कदम रखे हुए खड़े हैं तो ये मजेदार बात है इंद्रिया जो है अब यहाँ पे क्या समझने वाली बात है कि हमें इन इंद्रिय और मन से ज्ञान हो रहा है लेकिन क्या ये इंद्रिय और मन से जो हम ज्ञान ले रहे हैं वहां हमारी क्षमताएं प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है कहीं हम चूक तो नहीं रहे वहां पर भी कि वहां पर भी हम इस ज्ञान को अज्ञान में तो तब्दील नहीं कर रहे या वहां हमारी वो क्षमता जो है उस क्षमता का हम राइट उपयोग तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे है? जिससे कि हम मुक्त हो सके क्योंकि सारी स्तुतियां किस लिए है कि कैसे हम मुक्त हो जाए कैसे हमारी श्रमताएं निरावरित हो जाए कर्मों के आवरण से मुक्त हो जाए दोष से मुक्त हो जाए लेकिन कहां दोष पैदा हो रहा है अब जरा हम इस पे भी तो गौर करें कि इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है लेकिन इस ज्ञान के साथ क्या हो रहा है वाकई ज्ञान हो रहा है या हमारे भीतर हमने इस इंद्रियों का प्रयोग करने की आदतें कुछ ऐसी डाल ली है कि हम हमेशा इनकी वजह से परेशान हो रहे हैं अभी बड़ी मजेदार बात थी कि जिन चाबियों से ताले खुलते खजानों के और आदमी माला माल हो जाता आज भी उन चाबियों को पकड़ करके बैठा है लेकिन ना ताले खुल रहे ना माला माल हो, हो तो रहा है बस वो तो रोज चिल्ला रहा है अपनी गरीबी के रोनी गाए जा रहा है तो क्या हो गया हमारी स्थिति इंद्रिया और मन किसके लिए मिले थे और हो क्या गया हमारे इंद्रिय और मन से हम सब परेशान है इस मन से अरे इतना विचार दिन रात ओवर क्राउडेड यहाँ तो कभी ट्रैफिक खत्म ही नहीं हो रहा है जैम ही बना पड़ा है सुबह हो रात हो यानी हमें अन इंद्रिय क्या क्या हो गया और ये चलता क्यों जा रहा है क्योंकि इंद्रिया सूचना लाती जा रही है इंफॉर्मेशन ले रही है कहा की बातें सुनाते हैं देख आते हैं पढ़ आते हैं है, और फिर हमारे भीतर उसकी चर्निंग चालू रहती है और हम डिस्टर्ब रहते हैं अरे भाई ये मिला तो इसलिए था कि मति ज्ञान रूप हो पर तो मति बोझ रूप हो गई आज देखो हमारी मति किस किस दिशा में जा रही है हमारी बुद्धि बुद्धि बोझ बन गई है या हमारी हमें उड़ा रही है हल्का फुल्का कर रही है, सरल तरल बना रही है? हमारी आंतरिक क्षमताओं को और अधिक पैदा करवा रही है या हमारी आंतरिक क्षमताओं को घटा रही है जरा देखे हम जो इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त से हो रहा है उसका सही चैनल चल रहा है या उसका चैनलाइजिंग रॉन्ग हो गया है क्योंकि वही इलेक्ट्रिसिटी है जो करंट देती है एसी चलाती है कार चलाती है फैक्ट्री चलाती है लेकिन इसी इलेक्ट्रिसिटी का अगर सही तरीके से इसको ना किया जाए तो ये करंट लगाएगी शॉक लगाएगी और आदमी मर जाएगा अरे जो जीवन में प्रकाश ही प्रकाश दे, वो जीवन को खत्म भी तो कर देती है क्यों अगर राइटली चैनलाइज नहीं की गई है तो राइटली कनेक्ट नहीं की गई है तो और ऐसे ही तो नहीं हो रहा है इन इंद्रिया और अनिंद्रियों के साथ में किस लिए थी इंद्रिया कि भीतर की क्षमता बाहर खिल सके और बाहर दुनिया भर की जानकारियों से हम अपने आप को और समृद्ध कर सके और उन सारे निमित्तों से अपनी ही क्षमताओं को पहचान सके अगर निमित्त ना आए तो हमारी क्षमता में पहचान भी नहीं आएगी हमारे भीतर क्षमता में कैसे पता लगेगा निमित्त आएगा तभी तो पता लगेगा तो पता भी नहीं लगेगा करे, क्या क्या अंदर है? हमने दुनिया को घूमते हैं देखते हैं तो हमें समझ आता है अरे मेरे भीतर से भी संगीत फूट रहा है अरे मेरे भीतर से भी चित्रकारी निकल रही है अरे उसका डांस देख के मेरे भीतर भी कोई डांस पैदा हो गया उसका गाना सुन करके मेरे भीतर भी बोल फूट पड़े किसी को खाना बनाते देखा अरे मेरे भीतर भी कोई पैदा हो गई कुकिंग की कला तो ये सब कैसे आया हमने किसी को देखा किसी को सुना किसी को सूंगा कहीं कुछ चखा चखा पता लग गया अरे ये कैसा स्वाद होता है स्वाद कैसे पैदा किया जा सकता है और आदमी ने कितनी भांति भांति के स्वाद पैदा कर लिए कितनी भांति भांति के रंग पैदा कर लिए भांति भांति का सारा पदार्थ जगत का डेवलपमेंट हो गया इंद्रियों की वजह से तो हुआ इंद्रिया सही काम कर रही है तभी तो पैदा हुआ लेकिन अब क्या हो गया हम कहाँ गड़बड़ हो गए वो हमें समझना है ये क्षमताएं कहाँ हमारे लिए बाधक बन रही है या साधक बन रही है उपयोगी बन रही है या हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं या हमें समझना होगा ये निमित्त कारण है उपादान नहीं उपादान तो हमारी आंतरिक क्षमता है लेकिन तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से ये मति पैदा हो रही है अब जो ये मति पैदा हो रही है क्या ये मति ज्ञान रूप हो रही है या ये मति हमारे लिए बाधक रूप हो रही है अगर ये मति ज्ञान रूप होगी तो क्या पैदा होगा हमारे भीतर और गहराई से सुनने और देखने की क्षमता पैदा होगी श्रुत और अवधि की क्षमता पैदा होगी अगर ये मति ज्ञान रूप सजगता से आगे बढ़ रही है तो हमारे भीतर क्या क्षमता पैदा होगी मन परियोग की क्षमता पैदा होगी अगर ये मति की निष्पक्षता और समृद्धि बढ़ती गई तो हमारे भीतर कौन सी स्थिति आएगी तो बोला केवल ज्ञान की स्थिति आ जाएगी ये पहले स्टेप पे हम खड़े हैं मती के स्टेप पे अगर राइटली हम चलते गए तो हम केवल ज्ञान की के स्थिति में पहुंचते ही हैं हम सही तरीके से इन चाबियों का उपयोग करते ही और खजाने खुलते ही है लेकिन अगर गलत तरीके से कर जाए तो क्या होगा मती की वजह से क्या पैदा होगा मती की वजह से स्मृति पैदा होगी चिंता पैदा होगी संज्ञा पैदा होगी और फिर उसको हमने अगर रॉन्गली डायरेक्ट कर लिया तो कला पैदा होगा विवाद पैदा होगा युद्ध पैदा होगा आधिपत्य पैदा होगा और बम का आविष्कार जो किया गया था कि अरे जगत के अंदर एक अणु का विस्फोट करके हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं, कितना क्रिएटिव डेवलप कर सकते हैं लेकिन सब डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा एक ही क्षण में दो देश मर जाएंगे और दो देश ही नहीं पूरी पृथ्वी खत्म हो सकती है पूरी पृथ्वी उस बारूद के ढेर पे बैठिए विस्फोट कर दिया कण कण में अगर इतनी क्षमता है और इन क्षमताओं का उपयोग करने वाली ये मती है और इस मती को अगर राइटली कर, चैनलाइज करने की बजाय रॉन्ग चैनलाइज कर दिया गया तो हमारी क्या स्थिति होगी वो हम देख ही रहे हर व्यक्ति को इतनी बीमारियां कोई याद ही नहीं करता था पहले कि दिमाग की बीमारियां भी होती है क्या डिप्रेशन भी कुछ होता है क्या एंजाइटी भी कुछ होता है क्या ये शब्द भी पहले लोगों को नहीं पता थे हम पीछे मुड़ के देखें तो कौन इन शब्दों का प्रयोग करता था हम जब अपने पिता पिता के पिता और पिता के पितामह के पिता की जिंदगी में जाए तो हमने कभी सुना होगा कि वो बातें करते होंगे कि हमारी बुद्धि खराब हो गई हमारे को चिंता बहुत हो रही है या हमको हार्ट अटैक हो गया है या हमको डिप्रेशन हो गया है कभी वर्ड भी नहीं सुना होगा हमने

और एक वो जो इंद्रियों के अतिरोध में चले जाते हैं विरोध में चले जाते हैं अब दोनों तरह के लोगों की स्थिति हम देख सकते हैं जो अति भोग में जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वो पूरी टाइम आँख का प्रयोग करते जा रहे हैं पूरी टाइम हम देखते स्क्रीन के ऊपर लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अब उनकी आंख की क्षमता कहाँ जा रही है अब उस आंख की क्षमता से विराट आकाश दिखाई दे सकता था लेकिन हम उस स्क्रीन के ऊपर एक छोटी सी लिमिटेड चीजों में अपनी दृष्टि को सीमित करके बैठ गए कंप्यूटर स्क्रीन हो मोबाइल स्क्रीन हो टीवी स्क्रीन हो और हमने अपनी आंखों को वहां पे गड़ा लिया है अब ये आंख कहां से कहां ले जाने वाली थी लेकिन कहा पहुंच गई जो सारी दुनिया को दिखा सकती थी जो भीतरी और बाहरी दुनिया की बीच में एक ब्रिज बनती थी जो भीतर के विराट रूप को भीतर के विराट स्वरूप को बाहर के विराट स्वरूप को दोनों को एकाकार करते हुए देख सकती थी उस आँख की क्षमता कहाँ चली गई और हमें पता ही नहीं कि हमें मोबाइल पकड़ा करके हमें स्क्रीन पकड़ा करके हमारे साथ क्या हुआ विकास हुआ या विनाश हुआ हमारी क्रिएटिविटी बढ़ी या घट गई हमारी मौज बड़ी हमें पता ही नहीं लगा कि कब हम कैद बन गए इस स्क्रीन के गुलाम बन गए। अब ये नई तरह की जेल है इस जेल का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है इसमें कोई धारा नहीं लग रही है कि धारा 420 लग रही है आदमी को जेल में डाला जा रहा है नहीं नहीं ये सतत धाराएं चल रही है भांति भांति की और सारे दिमागों को जेल में डाला जा रहा है और हम सबकी प्रोग्रामिंग इनके तहत हो रही है और हमें पता ही नहीं है कि हमारी प्रोग्रामिंग हो गई है हम एक मैकेनिज्म की तरह काम कर रहे हैं और सारी स्क्रीन हमें चला रही है और स्क्रीन नहीं चला सकती थी अगर हमने अपनी आंखों को उसमें नहीं गड़ाया होता हमने अपने दिमाग को उसमें नहीं डाला होता लेकिन हमने तो डाल दिया और अब हमें पता ही नहीं हमारी मती हमारी आंखें किस लिए थी आने वाले टाइम में बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि आंखें किस लिए हुई थी पैदा होने के कुछ ही महीनों में कुछ ही वर्षों में चश्मे लग गए और बिना चश्मे के देखना और चश्मे से देखना दोनों में कितना अंतर है लेकिन धीरे धीरे अंतर भी खो जाएगा जब चश्मा एकदम नॉर्मल हो गया तो बिना चश्मे देखना कुछ याद ही नहीं बचेगा ये तो एक एग्जाम्पल है ये मैं उस तल का एग्जाम्पल दे रही हूँ जहां हम खड़े हैं लेकिन हकीकत में ये सूत्र तो और भी गहरी बातें कर रहा है लेकिन अभी हम उस तलों तक तो पहुंचे ही नहीं तो उस तल की बात भी कैसे करें हम तो जिस तल पे खड़े वहां में हमारी बीमारी तो समझ में आए की ये थी और क्या हो गई स्वस्थ आंख को भूल ही जाएंगे लोग स्वस्थ स्वस्थ दृष्टि किसको किसको बोलते है, किसको बोलते हैं नेत्र भूल ही जाएंगे क्योंकि आंखों पे चश्मा होना इतना कॉमन हो गया लेंस होना इतना कॉमन हो गया आंखों का स्क्रीन पे टिकना इतना कॉमन हो गया और ये बीमारी इतनी कॉमनली सबके भीतर आ चुकी है सबको पकड़ में आ गई है कि अगर कोई थोड़ी देर के लिए भी स्क्रीन से हट जाए तो बेचैनी नहीं पैदा हो जाती है वापस स्क्रीन पे कब लौटू तो हम लोगों को कम सुनते हैं स्क्रीन सुनते, स्क्रीन को को ज़्यादा ज़्यादा सुनते हैं हैं पढ़ते है, लोगों को नहीं पढ़ते वातावरण को नहीं पढ़ते हवाओं को नहीं पढ़ते हमें कुछ नहीं आइडिया बाकी दुनिया का हमें खाली स्क्रीन का आइडिया रह गया हम और लिमिटेड 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 हुए जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं आ रहा क्या थी आंख कमाल की बात है कान कमाल की बात है वो क्या क्या सुन सकते हैं और वो भीतर कौन सी मति को कनेक्ट कर सकते हैं कौन सी स्थिति तक हमें ले जा सकते एक बात का सुनना वो सुनना हमारे भीतर कौन से नाद को पैदा कर देगा कौन सा संगीत जन्मा देगा कौन से संगीत से संग हमको कनेक्ट करा देगा हम भूल ही गए हमें पता ही नहीं को करके श्रुति को डेवलप करके से कोई और एक ताले खोलने की कोई और से थे हमारा सारा कि जिसकी वजह से हम इतने आदि बन गए हैं कि मौन सुनना भूल ही गए शब्दों की धारणाओं को सुनने में हम इतने रिजिड हो गए कि अब हमारे भीतर नी शब्द को सुनना गायब भी हो गया शब्दों के मूल स्रोत ध्वनि को भी हम नहीं सुन रहे अब तो किसी कंपन को नहीं सुन रहे हम खाली शब्द और शब्दों के साथ हमारे भीतर मौजूद जो प्रतिविज्ञान है जो धारणाएं हैं, बस वो धारणाएं काम कर रही है जैसे हमारा नाम एक शब्द है और तो कुछ भी नहीं मेरा वर्ड लेकिन कोई कहते व्यवस्थित पागल पागल है ये तो इतना सा शब्द सुनना और हमारे भीतर विस्फोट हो जाएगा मुझे पागल कैसे बोल दिया अब वो शब्द शब्द था लेकिन अब वो शब्द, शब्द शब्द नहीं रहा हमने उस शब्द के भी भीतर गति नहीं करी हमने उसकी धारणाओं की कैद में ही अपने आप के आइडेंटिफिकेशन को बना करके ना जाने कितनी तरह के दुख पैदा कर लिए कितनी तरह के शोक पैदा कर लिए और हमें पता ही नहीं चला कि शब्द कब काराग्रह बन गए दृश्य कब काराग्रह बन गए गंध कब काराग्रह बन गई टेस्ट कब काराग्रह बन गया ये सारी जेल बन गई हमारे लिए जो थी इसलिए कि हम इन दरवाजों से पूरी दुनिया में गमन कर सके और अपने भीतर भी जा सके क्योंकि तो द्वारपाल है इंद्रिया तो गार्ड की तरह है भीतर और बाहर दोनों तरफ गेट खोलने वाला गार्ड होता है जो दरवाजे पे खड़ा रहता है जब आपकी कार बाहर निकलती है तो दरवाजा खोलता है बाहर जाए जब कार भीतर आती है तो दरवाजा खोलता है कि भीतर आए उसका नाम इंद्रिया है कि जब बाहर जाना चाहो तो बाहर जाओ जब भीतर आना हो तो भीतर आ जाओ वो इंद्रियों का काम है लेकिन ये गार्ड क्या कर रहा है इस गार्ड को भूल ही गया अपना काम ड्यूटी भूल गई अपनी स्थिति भूल गई अब गड़बड़ी गड़बड़ोगे अब आप बताओ गार्ड ऐसा हो जाए कि आपको भीतर जाना हो लेकिन वो दरवाजा ही ना खोले तो क्या करोगे आप हॉर्न देते जाओगे हॉर्न देते जाओगे वो दरवाजा खोल ही नहीं रहा और ये स्थिति हमारी हो रही है हम हॉर्न दिए जा रहे हैं यानी शोरगुल पैदा किए जा रहे हैं शोरगुल पैदा किए जा रहे हैं अरे क्रोध है अरे गुस्सा है अरे चिंता है अरे डिप्रेशन है अरे ये है वो है कई तो दरवाजा खुले कई तो समाधान मिले पर हम हॉर्न ही हॉर्न दिए जा रहे हैं पर हमें दरवाजा खोलने नहीं, नहीं आ रहा क्योंकि इंद्रिया तो कई और मशगूल हो गई है वो अपने अपने काराग्रम में लिपट गई उनको पता ही नहीं कि उनकी सही स्थिति क्या है अब बताओ तो कोई गार्ड अगर शराब पी करके सोया रहे और गेट ही ना खोले तो आप उस गार्ड का क्या करोगे गाढ़ की तो बदली कर दोगे, खुद की बदली कैसे करोगे और यही हमारी पांच इंद्रियां कर रही है ये यह भूली गई है कि इनकी स्थिति क्या है कैसे कोई यहां बैठे हुए इस दृश्यमान जगत का बिना आंखें खोले आनंद ले सके भूली गई ये स्थिति तो जिन्होंने आनंद लिया वो तो बड़े मजे से कहते हैं जैसे कबीर जब गाते थे तो गाते हुए कहते थे अरे ये सारे सूर्य चंद्रमा मेरे भीतर ही परिक्रमा कर रहे मेरे भीतर ही चांद तारों की बारात सजिए लेकिन आज हम बाहर भी सजिए तो नहीं देखते हमारे लिए तो चांद तारे वो भी मोबाइल की स्क्रीन में सिमट के रह गए हमें पता ही नहीं आकाश को जब कोई देखता है चांद तारों को वो आज तो नई फैशन चल गई स्टार गेजिंग लोग अपने जब जंगलों में कोई रिजॉर्ट बनाते तो लिखते हैं यहाँ स्टार गेजिंग मिलेगा मैं आसान बात है हम तो रोज अपने छतों पे सोते थे स्टार को देखते थे दिन गायब भी हो गया छत पे सोना गायब भी हो गया स्टार को देखना इतनी ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट्स आ गई कि स्टार की रोशनी हमको दिखाई नहीं देती स्टार ही दिखाई नहीं देते स्टार गेजिंग नई चीज आ गई अब हमारे लिए इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस ना स्टार गेजिंग लेकिन नहीं हमारे लिए वो भी बहुत फैशनेबल चीज होगी स्टार गेजिंग अरे चलो चलो आज कहा जा रहे के लिए जा हैं सनसेट देखने जा रहे हैं सनसेट पॉइंट पे जा रहे हैं अरे सनराइज पॉइंट पे जा रहे भाग रहे लोग अरे एवरीडेट एवरीडे सनराइज जहां हो वहां से भी देख सकते हो और आग बंद करके भी देख सकते हो आग खोल के भी देख सकते लेकिन अब गायब हो गया ना देखिये हम तो सब स्क्रीन पे सिमट के रह गए तो हमारी क्षमता ही कहाँ आवरी तो रही है हमें पता ही नहीं चल रहा है हमारी बीमारियां कैसे बढ़ती जा रही है हमें दिखाई नहीं पड़ रही है कि ये इंद्रिया किस लिए थी और ये क्या होके रह गई ये किस लिए थी और क्या हो के ये क्या होके रह गई ये क्या स्थिति में पहुंच गई ये तो गड्ढे में गिरती जा रही है तो कोई लोग है जो अति भोगी बन गए बस इंद्रियों के स्वाद में इंद्रियों के आनंद में इंद्रियों की मौज लेने में इतने ज्यादा रिजिड हो गए इतने ज्यादा इंडल्ज हो गए कि वे भूल ही गए कि ये किस लिए थी उपयोग क्या था इनका मन का उपयोग क्या था भूलेंगे महान उपकरण मिला है अनुभवी लोग कहते हैं कि मन नहीं मुक्ति नहीं गुरुजी की पूरी कविता है कि मन नहीं मुक्ति नहीं अगर मन नहीं है तो मुक्ति हो ही नहीं सकती है ये तो मन हमने इतना मुश्किलों से डेवलप किया जैसे कोई आदमी अपनी आ, बहुत सारे वर्षों के लगातार प्रयास से शोध से कोई ऐसा विमान बनाए क्या वो उसमें बैठ करके आराम से चांद सितारों पे पहुंच सके है ना और फिर वो बजाय चांद सितारों में पहुंचने के उस विमान से जमीन को टकराए और गड्ढे खोदे और अब ही गिर पड़ जाए क्या स्थिति होगी हमने मन बनाया इतनी मुश्किल से आसान बात नहीं थी हमारे भीतर ये मन की क्षमताएं डेवलप है आज हम सोच सकते हैं हम चिंतन कर सकते हैं हम कल्पना कर सकते हैं हम स्मृति का सदुपयोग कर सकते हैं हमारे भीतर बहुत सारी क्षमताएं हैं परसेप्शन की लेकिन क्या हो गया मन ही हमारा दुश्मन बन गया मन दुश्मन नहीं बना है हमें अपने ही बॉडी का यूज करना नहीं आ रहा सब तो को लेना काम में लेना नहीं आ रहा क्यों लेना नहीं आ रहा क्योंकि हमारी मति जिस दिशा में लगनी चाहिए उस दिशा में नहीं लग करके कई और दिशा में लग रही है इस मति का काम ये था कि ये इंद्रियों और अनिंद्रियों का बराबर उपयोग करना जाने और इस मति से कैसे हम उस स्थिति में जा सके जिसको केवल कहा गड़बड़ी क्या होगी हमें दिखाई तो पड़े हम रहे कर रहे हैं हम भूल का कर रहे हैं हम कहाँ गड़बड़ दिशा में जा रहे हैं? मती किस लिए थी कि हमें ये समझ रहे कि हम आंख से क्या देखना है क्या नहीं कैसे कितना इस दिशा में दृष्टि को ले जाना है एक जगह ओशो बोलते हैं कि जो माता पिता खुद आंख बंद करके नहीं बैठते खुद मौन नहीं करते खुद ध्यान नहीं करते खुद अपने भीतर परम दिशा में नहीं जाते वे अपनी संतान को आखिरकार क्या देखे जाएंगे वे दे किस दिशा में ले जाएंगे संतान संतान के भीतर कभी वो पैदा ही नहीं हो पाएगा वो ध्यान वो मौन वो प्रेम वो मौज वो आनंद वो निशब्द की स्थिति क्योंकि उसने कभी देखी नहीं माहौल में और बच्चे तो वही सीख रहे हैं जो माँ बाप को करते देख रहे हैं कल हम एक घर में, में थे जिसने मुझे इनवाइट किया था घर में सारे उसके सारे परिवार के लोग बराबरी में बैठे वो पैरों के पास बैठ रही है हमें बोला बराबरी में बैठो क्यों नीचे बैठ रही वो उसका बिल्कुल छोटा बच्चा है डेढ़ साल का वो भी देख रहे हैं माँ को कि माँ ऐसे बैठी नीचे हाथ जोड़ के वो भी वैसे आके बैठ गया और उसको तो सब ऊपर बैठा रहे लेकिन वो माँ को कॉपी कर रहा है ना कि माँ कैसे बैठी है वो भी वैसे बैठ रहा है और उसको कोई नहीं सिखा रहा है कि तू तो ऐसे बैठ मत बैठ लेकिन माँ झुक रही है तो वो भी झुकेगा क्योंकि माँ के भीतर कुछ आया है बच्चे ने देख लिया बस वो तो देखना उसके भीतर कहीं भी पहुंचा देगा लेकिन हमारे भीतर हमने क्या देखा है कई माताएं आती है बहुत शिकायत करती है हमारे बच्चे दिन रात मोबाइल को पकड़े रहते हैं कैसे इनसे छुड़ाएं ये तो उनको लत बन गई है ये स्क्रीन के बिना ना खाते हैं ना सोते हैं हम उनको पूछते हैं कि इतनी स्क्रीन की वैल्यू उनके भीतर में आई से इतनी मोबाइल की आदत आई कहा से क्योंकि उन्होंने देखा मम्मी पापा जो भी घर में आता है पूरी चौबीसों घंटे मोबाइल पकड़े रहता है वो और कोई चीज को इतना रेस्पेक्ट दे ना दे हम है ना मोबाइल को कितना रेस्पेक्ट देते बताओ हम जहाँ बैठेंगे वहां साफ सुथरा स्थान पे मोबाइल रखेंगे ट्वेंटी फोर आवर्स ले लेके घूमेंगे पहले फोन एक जगह घर में पड़ा था जब घंटी बजती हम उसके पास जाते वरना वो एक जगह पड़ा है हर टाइम वो अपनी वैल्यू नहीं बता रहा है इंपॉर्टेंस नहीं जाहिर कर रहा है लेकिन अब मोबाइल के साथ क्या हो गया हमने उसमें इतनी जान डाल दी इतनी इम्पोर्टेंस दे दी उसको तो बच्चा क्यों नहीं देगा बच्चा देखेगा माँ बाप किसको वैल्यू दे रहे हैं वो उसको भी तो वही चाहिए जो माँ बाप को चाहिए वो भी उसी को वैल्यू देगा आदतें हम डलवाते हैं इंपॉर्टेंस हम पैदा करवाते हैं और फिर कहते हैं अब ये तो इसके लिए जेल बन गई बाहर ही नहीं चलता लोगों से भी नहीं मिलता बातचीत भी नहीं करता क्यों करेगा फिर तो उसको स्क्रीन में मजा आ रहा है और ये सब हमारी स्थिति है हम भी इंद्रियों की सीमित क्षमताओं में इतनी इंडल्ज हो गए हैं कि हमें इस इंद्रियों का सही प्रयोग करना ही नहीं आया ये आंख इसलिए थी कि कैसे भीतर की स्थिति को बाहर एक्सप्रेस हो सके और बाहर की स्थिति से भीतर में कुछ जागरण घटित हो सके कान भी इसलिए थे दरवाजे इंद्रिया द्वार है, है। भीतर और बाहर की जगत में इनको बंद भी नहीं करना है और इनको हर वक्त खुला भी नहीं रखना है हम दरवाजों को कैसे करते हैं जब जरूरत होती है तो खोल लेते हैं जब जरूरत नहीं होती है तो बंद कर लेते हैं घर के दरवाजों के साथ आप यही तो करते हो रूम्स के गेट के साथ में क्या करते हो खिड़कियों के साथ में क्या करते हो जब जरूरत होती है खोल लेते हो जब जरूरत नहीं होती है बंद कर लेते हो क्या वो क्षमता हमारे में है कि हम चाहे तो इंद्रियों को खोल ले चाहे तो बंद कर ले देखना हो तो देखे नहीं देखना हो तो चाहे कहीं भी क्यों ना बैठे हो हमें नहीं देखना है तो हम नहीं देख रहे हमारी मौज नहीं सुनना है नहीं सुन रहे हमारे पास में क्षमता है नहीं सुनना है तो नहीं सुनेंगे चाहे लोग गालियां दे रहे गुस्सा कर रहे हैं चीख रहे चिल्ला रहे बोल रहे हमें नहीं सुनना हम सुन ही नहीं रहे हमारे कान खोले लेकिन हम सुन ही नहीं रहे लेकिन ये प्रयोग हम कब करते जब प्रवचन चल रहा हो सत्संग चल रहा हो तब कान खोले लेकिन हम सुन ही नहीं रहे तो इनके ऊपर हमारे मालिकियत होती हम स्वामी है हम समझे कि हमने इस मती का इंद्र और अनिंद्र के निमित्त से किस दिशा में ले जाना है इसलिए ये सूत्र बनाए ये सूत्र सूत्र का मतलब है जो कहीं जोड़ रहा है कहीं कनेक्ट कर रहा है धागा है वो भीतर और बाहर में कहीं एक दिशा में ले जा रहा है तो हमें पता लगे इंद्रिया के से हो तो रहा है कुछ सतत हो रहा हो रहा रहा है है सबके भीतर भीतर हम सारे ही प्राणियों के भीतर, के कानों के आंखों कानों नाक के त्वचा के निमित्त से कुछ हो ही रहा है लेकिन वो क्या हो रहा है उस पर हमारा ऑब्जर्वेशन है क्या हमारा गाइडेंस है क्या हमारा अपना कंट्रोल है क्या और अगर नहीं है तो बिना ड्राइविंग आए किसी को कार पकड़ा दो कार में बिठा दो ड्राइवर सीट पर उसको ड्राइविंग नहीं आती है तो वो क्या करेगा बाहर भी कार चलाना सीखना हो तो ट्रेनिंग क्लास लेनी पड़ती है और ये पांच इंद्रियों को चलाना सीखना है हमने तो कोई ट्रेनिंग क्लास ली नहीं तो उमा स्वाति जी क्या करें बताओ वो ट्रेनिंग क्लास देना चाह रहे थे कि अरे तुम ये तो ट्रेनिंग ले लो इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से जो मति ज्ञान हो रहा है वो उसको ट्रेनिंग ले लो ये क्षमता तुम्हारे पास है इसको सही तरीके से उपयोग करना सीख लो तो कितना मजा आ जाएगा किसी के भीतर गाने की स्थिति है और फिर उसको अगर सही वाद्य यंत्र मिल जाए हारमोनियम मिल जाए तबला मिल जाए गिटार मिल जाए और अब उसके भीतर का जो गाना वो कैसे निकल के आएगा देखो आज जिसको गाना नहीं आता वो गिटार पकड़ के हारमोनियम को पकड़ के कुछ कुछ करने लगे वो क्या करेगा वो उसको भी तोड़ फोड़ देगा और समय उड़ सब बर्बाद करेगा ऐसे हम भी करते हैं अरे ये सारी इंद्रिया ये शरीर ये तो पूरा तंत्र पूरा पूरा नर्वस सिस्टम ये पूरी बॉडी पूरा संगीत का उपकरण है इन सबको सही तरीके से चैनलाइज करना सीखना होगा और अब तो कहीं कहीं ऐसे स्कूल्स खुले हैं जहां लोगों की इंद्रिक क्षमताओं को बढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है जैसे आग, आग बंद करके भी देखना बंद आंखों से कैसे देखना कैसे पढ़ना वो भी सिखाया जाता है कैसे अपनी सेंसिटिविटी को डेवलप करना वो सिखाया जाता है कैसे अपने टेस्ट वर्ड्स के प्रति सावधान रहना तो पता लगेगा कि कौन सा पॉइंट पे हम हमारी जीव मीठा लेती है नमकीन लेती है कौन से पॉइंट पे हमारी जीव कड़वा लेती है अब देखो ना हमको बचपन से पता है कि जब हमको कड़वी गोली खानी होती थी तो हमको बचपन में क्या इंस्ट्रक्शन मिलते थे कि उसको जीव के लास्ट में रखना और गटक जाना स्वाद ही नहीं आएगा इसका मतलब उन लोगों को पता था कि कहाँ पे कड़वे का स्वाद नहीं आता है मीठे का स्वाद लेना है तो कहाँ पे रखना कैसे कैसे प्रयोग किए गए थे जैन साधु पहले प्रयोग करते थे कि जब खाना खा रहे हैं तो वो एक साइड से चबा रहे हैं तो उसको दूसरी साइड में नहीं लेके जाएंगे उतनी भी जागृति रखनी उनको दूसरी साइड से चबा रहे हैं तो पहली साइड में ले जाना है या नहीं ले जाना ये भी जागृति रहनी विराट गुरु जी कहा करते थे कि साधुओं के पास तो ये भी विवेक होता था कि आज मुझे दस शब्द में ही पूरा दिन रहना है तो दस ही शब्द बोलना है पूरे दिन में ग्यारहवा शब्द भी नहीं बोलना इतनी सजगता कि ग्यारहवा शब्द भी नहीं बोलना और हमें तो पता ही नहीं हम कितना बोले जाते और तब तो क्या होता है हमें अपनी क्षमताओं का विवेक पूर्वक उपयोग नहीं आता तो इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से जो हो रहा है वो फिर ज्ञान रूप नहीं होता वो फिर संगीत नहीं होता शोरगुल हो जाता है वो फिर संवाद नहीं बनता विवाद बन जाता है वो फिर स्वास्थ्य नहीं बनता बीमारी बन जाता है खाना वही है कोई खा करके स्वस्थ होता है कोई खाके बीमार पड़ रहा है वही तो खाना वही मीठा है जो एनर्जी दे रहा है कोई किसी को शुगर की रोग दे रहा है डायबिटीज दे रहा है अरे मीठे से तो एनर्जी मिल रही है फिर तुमको डायबिटीज क्यों मिल रही है क्योंकि देर इज समथिंग रॉन्ग विद इन ऑल ऑफ अस कि हम उस मीठे को एनर्जी बनाने की बजाय डायबिटीज बना रहे हैं कुछ गड़बड़ अंदर हो गई है अपनी गड़बड़ को पहचानना होगा कि इंद्रिय और अनिंद्र के निमित्त से हमें कहा जाना था ज्ञान को कैसे होना था लेकिन हमारी क्षमता कहाँ चली गई हमें दिखाई पड़े तो ये सूत्र काम का है ऐसे तो रट ले कोई दिक्कत नहीं है पता लग जाएगा हाँ के निमित्त से मत ज्ञान होता है फिर इसे हुआ क्या इससे हुआ क्या हमारे भीतर क्या हुआ कुछ भी तो नहीं पता लगा सूत्र कहीं आंख खोलने के लिए अरे खोल आंख देख तेरी आँख कहाँ जा सकती है क्या कर सकती है और आंख को कब बंद करना है कब खोलना है कितना खोलना है आंख को कितना खोलना तो बोले बस चार कदम आगे दिखाई पड़े उतना ही खोलना पूरी खोलना भी मत पूरी बंद भी मत करना मध्य में रखना कितनी बुद्धों की मूर्ति हमने देखी है जहां आंख आधी खुली आधी बंद है इसलिए शब्द आता है अर्ध निमिलित नेत्र अर्ध निमिलित नेत्र आधे बंद आंख आधे बंद क्यों है कि उनका कंट्रोल है कि मध्य में कहा रखना आंख को संयम साधा है आंख को मध्य में रखना सीख लिया है और जैसी दृष्टि मध्य में आ गई बड़ी मजेदार स्थिति हो गई अब दृष्टि ना किसी के पक्ष में गई ना किसी के विपक्ष में गई ना अति भोग में गई ना किसी विरोध में गई अब तो वो सम्यक संयोग में आ गई और तब क्या हुआ जैसे ही दृष्टि मध्य में आ गई अब वो दृष्टि ने भीतर और बाहर के बीच में एक संधि को जान लिया है और जिस भीतर और बाहर की संधि में जो सजग हो गई है आंख अब वो आंख कमाल का संगीत पैदा कर रही है और वो कमाल की मौज में आ गई है और उसको भीतर का आनंद मिल गया है भीतर का रस खान मिल गया है और बाहर में उस रस गोपिका को फैलाने वाला यंत्र भी मिल गया है और तब ऐसे व्यक्ति के भीतर एक चमत्कार पैदा होता है जिसकी दृष्टि मध्य में आ गई है जिसकी दृष्टि ने संधि को साध लिया है जो अर्ध निमिलित ने नेत्र हो गई है उसके भीतर एक ऐसा चमत्कार पैदा होता है कि वो व्यक्ति जहां भी खड़ा होता है चारों और एक माहौल ही डिफरेंट पैद, पैदा हो जाता है क्योंकि वो कहीं केंद्र में आ गया है तो जैसे कोई कमल खिला है और कैसे भ्रमर उसके पास आते हैं ऐसे किसी के भीतर का कोई आनंद खिल गया है दरवाजे खुल गए इस इंद्रियों का सही उपयोग हो गया है मति की विशुद्धि हो गई है इंद्रियों का संयम आ गया है तो क्या होगा इंद्रिय और अन दोनों का ही मालिक जाग गया है और मालिक भी मौजूद है और बराबर सारे ड्राइवर भी काम कर रहे हैं सारे गार्ड भी बराबर काम कर रहे हैं अब बताओ जिसका फैक्ट्री का मालिक सही दिशा में हो मैनेजर मालिक बोले तो आत्मा मैनेजर बोले तो मन और बाकी सारे सबोर्डिनेट्स बोले तो पांचों इंद्रिया अगर सब सही तरीके से काम कर रही हो अगर हम देखें प्रशासन में अगर एक भी विभाग सही दिशा में सही तरीके से काम करता है तो कितना चेंजेस दिखाई पड़ता है आज हम पूरी इंडिया में जब बाय कार ट्रेवल करते हैं तो हम देखते हैं सड़क के कितनी मजेदार हो गई चार और एक्सप्रेस वे का जाल हो गया सड़कें इतनी मजेदार सड़कों पे व्यवस्था इतनी मजेदार ये सब क्यों हो गई कोई एक विभाग है जो सजग हो गया है सड़कों को लेकर के और बराबर काम कर रहा है तो कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कितना लोगों को आनंद मिल रहा है कितनी आराम से सारी जर्नी हो पा रही है जहाँ कभी दिल्ली से हरिद्वार जाने में लोगों को दस दस घंटे लग जाते थे आज वो ढाई घंटे के अंदर दिल्ली से ऋषिकेश पहुंच सकते इतना मजेदार सारा सड़क ये सब क्यों हो गया है क्योंकि कोई एक तंत्र सही दिशा में काम कर रहा है अगर हम बाहर के तंत्र को देखें और अगर उनका सही परफेक्टली विनियोजन हो जाए तो इतना मौज पैदा होता है भीतर के तंत्र में हो रहा है तो कितना मौज हो जाए बुद्ध ने क्या किया महावीर ने क्या किया वो भीतर के तंत्र को साध लिया इंद्रिय और अनिंद्रिय के वो स्वामी होते गए और जैसे जैसे उनको संयम आ गया दृष्टि का श्रवण का सबका और सबका संयम का, का मार्ग उन्होंने बताया बुध ने अष्टांगिक मार्ग दिया महावीर ने पांच समिति तीन गुप्ते की बात कही कि इनके माध्यम से क्या होगा कि भीतर एक स्थिति पैदा हो जाएगी अब तुम जब चाहो तो भीतर जाओ बाहर आओ तुम्हारे भीतर एक तालमेल आ गया सही रिदम बैठ गया है सही रिधम हो जाए तो आदमी कीचड़ में कमल की तरह हो जाए फिर वो अपने में है मौज में है ऐसी स्थिति आ जाए इसलिए इंद्रिया अनिंद्रिय के निमित्त से जो मति ज्ञान हो रहा है वो क्षमता उसके पास है क्षमता का सही उपयोग आ जाए हमें तो हम अपने भीतर के सारे रहस्यों से अनजान नहीं रहेंगे और जिसमें वो जान पैदा हो गई फिर उस जान से पूरे वातावरण में एक नई जान आ जाती है बुद्ध चलते हैं पूरी धरती पे फूल खिल जाते हैं हैं जान ही आ जाती है जीसस चलते है, कहते हैं कि ठूट बने हुए वृक्षों के अंदर भी उस समय हरियाली आ जाती है जब जीसस वहां से गुजरते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं बेजान में भी जान आने लग जाती है क्यों क्योंकि कोई जान है ऐसी हम सब के भीतर भी वो दशा है वो दशा उजागर हो इसके लिए ये सारे सूत्र की बातें हैं। ये सूत्र कहीं हमें जगाए हमें अपने आप से मिलाए हमारी इंद्रिय और अनिंद्र की क्षमता का हमें सही उपयोग आ जाए और जिसको एक बार अपने भीतर के दरवाजे खुल गए जाग जाने से खुल जाने से फिर तो उसके लिए कोई दूरी नहीं बची सब जगह नूरी ही नूरी है वो स्थिति हम सब के साथ है प्रकट हो यही प्रार्थना यही निवेदन सबसे अपनी आज की बात को यही विराम देती हूँ विराट गुरु जी की दुआ आशीर्वचन के साथ में आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के जय हो जय हो जय हो सबका कल्याण हो ओम शांति ओम शांति